ओके, कंटिन्यूइंग योर एक्सरसाइज 1.1, उसके क्वेश्चन नंबर 4 है. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है -13. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसमें हो जाएगा अपोजिट. जैसे आपका ये न्यूमरेटर है, -13 न्यूमरेटर में है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा -1/13. ठीक है. बी है -13/19. तो इसका जब इनवर्स लिखोगे आप, ठीक है, ये देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब जैसे ये 13/1 हुआ, तो ये इसका इनवर्स हो गया, 1 ऊपर चला गया, 13 नीचे आ गया. सेम एस -13/19 में आप देखिए, इसमें आपका 19 ऊपर आ जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा. ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये करना है कि आपको जैसे 8/9 दिया है, तो आप क्या करोगे, 9/8 आपका ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. और एडिटिव इनवर्स में क्या था, अगर आपका कोई भी पॉजिटिव है, 8/9 है, तो इसका आंसर होगा -8/9. ओके, नेगेटिव का साइन हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है 1.1 एक्सरसाइज का. इफ 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 है, ठीक है, वाई और वाई नॉट. क्यों, मतलब ये जो नंबर है, क्या 3 1/3 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ये आपको बताना है क्यों और क्यों नहीं. ठीक है, सो पहले हम सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे. 3 ये जो है आपका 3 3 9 10/3, ये तो सबको पता है. अब 10/3 को हम 0.3 भी लिख सकते हैं. आई होप इज़ दैट क्लियर. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट शुड बी 1. जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होगा कि जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो 1 होना चाहिए. ओके, सो नाउ यहाँ पे आपको करना है 3/10 × 10/3. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या था आपका, 3/10 अगर है, तो जब इसको हम करेंगे तो 10/3 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा. मल्टीप्लिकेटिव में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए. ठीक है, जो उसका प्रोडक्ट होता है, ये अभी इसमें यही चीज़ मैं बताई हूँ कि आपका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में प्रोडक्ट शुड बी 1 होना चाहिए. ओके, सो नाउ इसमें आपका यस इट इज, यहाँ पे ये जो है 0.3 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, राइट. सो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है, राइट, 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2. अब आपको एक क्वेश्चन दिया है कि आपके पास एक, मतलब आपको बताना है 5 रैशनल नंबर है जो कि 2 से छोटा है. द नंबर 2 कैन बी रिटन एज 20/10. ठीक है, 20/10 हम इसको लिख सकते हैं, 2 को 20/10 अगर करते हो तो ये 0 0 सिंपल, इसमें क्या आंसर आया, बचा 2. इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. देन हेंस वी कैन से दैट द 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2 आर, 2 से जितने भी स्मॉलर नंबर वो हो सकते हैं 2/5, हमें 20/10 से नीचे वाले सारे नंबर्स लिखना है. तो 2/10, 5/10, 10/10, 15/10 एंड 19/10, हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं. सो आई होप क्लियर हो गया होगा, और इनकेस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.